राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान के कई इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। राजस्थान में मानसून एक्टिव होने के साथ ही तेज बरसात का दौर जारी है। बीती रात नागौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं भीलवाड़ा के कचोर में तो 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर बिसरपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बरसात के कारण बांध का गैस जो है 2 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। वहीं जोधपुर पाली एरिया में भी आज सुबह कई इलाकों में पानी यहां पर बरसा है। वहीं राजधानी जयपुर में भी सुबह से यहां पर बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में अच्छी बरसात होने की बात कही है। इसके अलावा कल भी राज्य के अंदर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश होने की अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, करौली, नागौर और पाली में 50 mm यानी 50 mm या उससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बांसवाड़ा में 99 mm और करौली के मंडरियाल में 70 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा नागौर के जायल में 88 mm बारिश हुई है। पाली के रोहट में भी 58 mm बारिश हुई है। वहीं mm यहां पर ये बारिश हुई है। चित्तौड़गढ़ बस्सी डैम में भी 69 mm और भीलवाड़ा के यहां पर कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं अजमेर के नसीराबाद में भी लगभग 80 mm के आसपास बारिश हुई है। 80 mm बारिश जो है वो यहां पर हुई है। वहीं तेज बरसात के कारण यहां पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के जो बरसाती नदियां जो है वो बह निकली है। इन जिलों के अलावा टोंक और उदयपुर, जयपुर और राजसमंद, झालावाड़, झुंझुनू और इसके अलावा यहां पर मतलब बाड़मेर में अच्छी बरसात देखने को यहां पर मिली है। वहीं बारिश के कारण बिसनपुर बांध का जो गैस जो है बढ़ा है। बिसनपुर के कारण 1 इंच बरसात के बाद यहां पर 313 से बढ़कर ये जो है इसका लेवल 313.2 mm पहुंच गया है। ये पहला मौका है जब बांध जून में बारिश के पानी से यहां पर इसमें पानी जो है वो बांध में आया है। वहीं डूंगरपुर में कल जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में नुकसान भी यहां पर हुआ है। वहीं अजमेर जिले में भी मानसून की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल के दौरान अनापुर गांव बारिश के कारण टापू में तब्दील हो गया, जिसमें यहां पर 100 से ज्यादा लोग जो है लोग में फंसे हुए थे। वहीं उदयपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आज जिन इलाकों में जारी बारिश का अलर्ट जारी किया उनमें अजमेर, बारा, भलवाड़ा और कोटा, टोंक जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए आज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल सिरोही, दौसा, भरतपुर, बारा, अलवर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं कल पाली के मारवाड़, जैक्सन और आसपास के इलाकों में भी अच्छी बरसात देखने को मिली है। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। बारिश की बात करें तो भीलवाड़ा के यहां पर कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। राजसमंद के नाथद्वारा और कुमलगढ़ में 27 और 29 mm बारिश जो है यहां पर रिकॉर्ड हुई है। पाली के रोहट में 58 और पाचन बांध जो है पाचना बांध करौली के अंदर यहां पर 36 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। जैसलमेर में 31 mm, चित्तौड़गढ़ शहर में 29 mm और भीलवाड़ा के 183 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोटड़ी में 76 और नसीराबाद, अजमेर में 79 और किशनगढ़ में, अजमेर जिले के अंदर किशनगढ़ है, 59 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। पुष्कर में भी 29 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राजस्थान में मानसून आगे बढ़ते हुए आज पूरे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर के एरिया में एक्टिव हो चुका है। इसके साथ ही यहां चूरू, बीकानेर और झुंझुनू जिलों में आंशिक रूप से दाखिल जो है ये हो चुका है। अब धीरे धीरे जो है आज और कल 2 दिन में पूरे देश के अंदर मानसून जो है एक्टिव होने की बात कही गई है।